तो ये डिमांड जो है ना वो दो किस्म की होती है, एक होती है डिमांड और एक होती है भारी डिमांड। तो ये जो रेसिपी है ये डिमांड वाली नहीं है, ये भारी डिमांड वाली है। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार और भारी डिमांड पे हम बनाने जा रहे हैं भारी पंजाबी समोसे। म्यूजिक के बाद आएंगे ना फिर से। कॉलिंग एंड एक्शन। आ जी आओ, वेलकम। तो पंजाबी समोसे बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी पंजाबियत जो हम सबके यहाँ पे होती है। बाकी वही समोसे, मैदा, वही रेगुलर चीज़ें हैं जी। मेरे एक दोस्त हैं शिंगारे पाजी, वो कहते हैं कि रणवीर रोटी बनाओ तो पहला भंगड़ा पाओ, तब रोटी अच्छी बनेगी। तो पंजाबी गाने लगा के भंगड़ा भंगड़ा पा के फिर आयो जी पंजाबी समोसे बनाओ, ठीक है ना? तो बेसिकली एक चौथाई मोइन, हाँ, एक कप मैदा है तो उसके अंदर इतनी सी अजवाइन, थोड़ा नमक और दो बड़े चम्मच घी, गुड इनफ। कण कण में मोइन लगना चाहिए, देखो लग गया ना कण कण में मोइन। चिल्ड वाटर, हाँ, और वाटर ज्यादा नहीं। आमतौर पे मैं बोलता हूँ कि डो जो है वो काबू में रखना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन समोसे के डो में अच्छे से उसकी गुंधाई होनी चाहिए और समोसे का डो जो है वो टाइट होना चाहिए और बराबर से कम नहीं तो 15-20 मिनट रेस्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। समोसे के डो में मैदे का ग्लूटन डेवलप होना और साथ ही में जो घी से खस्तापन है वो दोनों चीज़ें पुरजोर होनी चाहिए, मतलब खस्ता भी बराबर और ग्लूटन भी बराबर। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, आउटर केसिंग बना दी, अब अंदर की फिलिंग बनानी है। अब पहले भी मैं समोसे बना चुका हूँ लखनऊ ही फिलिंग वाले, अब मैं आपको समोसे दिखाता हूँ पंजाबी स्टाइल फिलिंग वाले। वहाँ पे सारी पंजाबियत ले आओ जी। पंजाबियत लाने के लिए आपको तीन मसाले चाहिए, धनिया, सौंफ और जीरा, ठीक है ना? मेरा जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, धनिया और सौंफ मैं लेता हूँ बराबर बराबर और जीरा उससे थोड़ा कम। तो ये बेसिक मसाला है जो हमने करना है रेडी, तो कर लेना रोस्ट। ये लो जी, अब इसको दरड़ना है। हाँ, दरड़ना समझते हैं ना, यहां से पंजाबियत शुरू हो जाती है जी। दरड़ना मतलब मोटा मोटा कूटना है इसको। आह, मसाला रेडी हो गया जी। हैं? तो अब बाकी का काम कर लेते हैं जी। कोई प्याज पूज नहीं डालना जी, हैं? मानना पंजाबी है लेकिन हमारा काम जो है वो धनिए और अदरक से हो जाएगा, प्याज नहीं डालना। अभी आलू, देखो जी आलू जो है ना वो काट भी सकते हैं और मोटे मोटे मैश भी कर सकते हैं। मैं आलू को मोटा मोटा काट रहा हूँ, बाकी हम मैश कर लेंगे। अब ये फ़र्क है पंजाबी समोसे में और हमारे लखनऊ के समोसे में। देखो जी, समोसे आप तेल में तल सकते हैं, है ना? तो अच्छे तेल में तल सकते हैं समोसे, लेकिन मोइन और जो फिलिंग है वो घी में बननी चाहिए, मज़ा तभी आता है साहब। देखिए मैंने बता दिया, वरना आप जो है मोइन में तेल डाल देते अंदर, मज़ा आपको आता नहीं और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। दूसरी चीज़, पंजाबी समोसे में ऑप्शनल है लेकिन किशमिश और काजू भी डाल सकते हैं। जब शादियों में बनते हैं तो बीच बीच में थोड़ा एग्जॉटिक बनाने के लिए ना उसमें किशमिश और काजू डाल देते ना। हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, माड़ी जी हींग, फिर आलू और मटर, रफली रफली मैश करना है। अब भाई इसको ढक देना है, हाँ, ढक के और इसको 5-7 मिनट बस एक साथ दम होने देना है, फिर फिनिश कर देना है, बस हो गया, है कि नहीं? और जब इसके बाद ढक्कन खोलेंगे ना, तो ढक्कन लगाने का मकसद यह है कि एक बार हल्की सी गर्मी मिल जाए आलुओं को। जब ढक्कन खोलेंगे तो फिर उसके बाद चलाना है उसको, हाँ, गैस तेज करके नीचे लगने देना आलू को, हाँ, वो नीचे जब आलू लगेगा ना तब टेस्ट आएगा। हल्का सा नीचे आलू लगेगा, फिर भुनेंगे, फिर टॉस करेंगे। मैश पोटैटो नहीं बनाना लेकिन नीचे से आलू को लगने देना है, थोड़ा चलाना है, राड़ना है उसको, वरना फिर वो आलू की सब्जी के समोसे हो जाएंगे। आलू की सब्जी के समोसे नहीं है, पंजाबी आलू समोसे हैं, ठीक है ना जी? बहुत घर जैसे पंजाबी समोसे हैं, हलवाई वाले समोसे में आप ज़बरदस्ती का मसाला ठोक के डालते हैं वैसा नहीं। अब ये हो गया, टेस्टी भी है। अब इसको करना है ठंडा, फ्रिज में रखना है, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर तक तो लेके आना है इसको,
वरना आप समोसे बनाएंगे, अंदर फिलिंग गर्म होगी, गर्म ठंडे हो गए समोसे खराब हो जाएंगे, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, फिलिंग भी ठंडी और डो भी ठंडा, रणवीर ने बताया था। देखो भैया समोसे हम कहाँ बनाते हैं, समोसे तो बनाते थे राधे श्याम हलवाई है, और अगर आपने राधे श्याम हलवाई के हाथ की जलेबी नहीं खाई तो आप फिर लखनऊ करने क्या गए। अब तो वो है नहीं, बट खबर मिली है कि उनके पुत्र जो हैं वो चलाते हैं दुकान, तो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ जाइए, लखनऊ जाते हैं वहाँ जाइए। लखनऊ में जब जाते हैं तो थोड़ा समोसा जलेबी खाने राधे श्याम हलवाई के पास भी जाइए, हमारा बचपन गुजरा है वहाँ पे। और एटलीस्ट मेरी जो जो समोसे और जलेबी की जो रेसिपी है, जो टेक्निक है, जो टेस्ट है, वो राधे श्याम हलवाई से ही इंस्पायर्ड है। ये जो है ये बैठक, ये वाला जो फोल्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे गणपति फोल्ड बोलते हैं, ये फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चौकड़ी मरवा के बैठाना समोसे को बहुत ज़रूरी है, वरना समोसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, है ना। बैठने के लिए ये बैठक बनानी बहुत ज़रूरी है। चलो जी हो गया, अब फ्राई करने का टाइम। बिल्कुल धीमे तेल में पकाना है, बिल्कुल धीमा मतलब ये नहीं कि धीमे तेल में समोसे डालें, मतलब मीडियम हॉट ऑयल होगा, आप उसके अंदर समोसे डालेंगे, वो मीडियम हो जाएगा या स्लो टू मीडियम हो जाएगा, फिर उसी में पकाएंगे। हाँ पहले अगर आप स्लो या मीडियम स्लो तेल में डाल देंगे तो समोसे तेल पी जाएंगे, इसलिए ऑयल को मीडियम हॉट करना है, समोसे डालने हैं, तेल अपने आप ठंडा होगा और उसी स्लो टू मीडियम वाले टेम्परेचर पर समोसे को पकाना है, ठीक है। और समोसे की जो पकने की पहचान है ना, वो यहाँ से होती है। अगर थोड़ा सा अंदर देखें और समोसा हल्का सफ़ेद दिखे, इसका मतलब समोसा पका नहीं हुआ। हाँ धीमी आंच पे तसल्ली से राड़ना है जी समोसा। एक कॉमन गलती जो हम करते हैं वो ये कि पट्टी बहुत मोटी बनाए, पट्टी जो है वो सवारी है, जो पैसेंजर है वो आलू है, इसलिए पैसेंजर का टेस्ट आना चाहिए। समोसे की पट्टी पतली रहनी चाहिए, और पंजाबी समोसे के साथ ना खासतौर दिल्ली में जाओ तो केचप कंपलसरी। सिंपल है, इजी है, बस तीन चीज़ याद रखनी है। एक तो आलू की सब्जी नहीं बनानी, आलू को हल्का सा भाप देके फिर उसको नीचे लगवाना है, खुरचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि छोटे छोटे बेबी समोसे नहीं बनाने, पंजाबी समोसे बड़े होते हैं जी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट वो मसाला मत भूलिएगा, जीरे सौंफ और धनिया, बाकी फर्स्ट क्लास बनेगा मेरी गारंटी। बनाइएगा ज़रूर, एंड लॉट्स ऑफ लव। और एक बार फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब।